हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं ये है सीता का घर। चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। और यहाँ पर बच्चे कुछ बना रहे होते हैं। और ये वासुना, देखो ना, हमने तो ये बनाकर तैयार कर दी है। कितनी सुंदर झोपड़ी है ये। लेकिन मेरे दिमाग में एक और आइडिया आ रहा है, क्यों ना हमें आइसक्रीम स्टिक से कुछ और भी बनाए। अली स्वीट यहाँ बनाएंगे ना, लेकिन पहले इसे तो पूरा तैयार कर लो। देखो ना, अभी तो ये अधूरा है, हमें इसे और भी सुंदर करना। इसके ऊपर हम बहुत ही अच्छा कलर भी करेंगे, अभी ये सुंदर लगेगा, ठीक है ना। अली दीदी देखिए ना, मैंने छत अच्छे से चिपका दी है, बहुत ही मजबूत चिपकाई है। आप चाहे इसके ऊपर बैठ भी जाना है। और सभी बच्चे यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक से झोपड़ी बनाने लगते हैं। अरे इसके अंदर और क्या काम रह गया है, चलो चलो मैं देख लेती हूँ। अरे दरवाजा भी खुला है, भी डल गई है, सारा काम कंप्लीट हो गया, बस इसके ऊपर रंग करना रह गया है। अच्छा स्वीटी, तुम जाकर जाओ, कलर लेकर आ जाओ। अरे सोना, कलर तो मम्मी ने छिपा कर रखे हैं, लेकिन मैं पता है ना, मम्मी और सीतान जी बाजार गए हैं। अरे हाँ स्वीटी, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा चलिए काम करते हैं, हम इसके ऊपर कल कलर कर लेंगे। आज हम इसके साथ में ऐसे ही खेल लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। अरे ये क्या, आज तो कुछ भी हाथ नहीं लगा है, पूरा दिन हो गया मुझे खाली घूमते घूमते। पता नहीं इस गांव के लोग आखिर कैसे हैं जो दोपहर में भी नहीं सोते हैं, बहुत ही खराब लोग हैं भाई यहाँ के तो। अरे अरे ये क्या, ये बच्चे आखिर क्या बना रहे हैं। अरे वाह, देखो तो कितना सुंदर बनाया है बच्चों ने ये घर। आज मुझसे भी कुछ बनाना आता, मैं बनाकर ही कुछ बेच लिया करता, ये चोरी तो नहीं करनी पड़ती। चोरी करते करते मैं कितना ज्यादा पीटता हूँ, बाप रे बाप, कितने ज्यादा बम अकड़ रहे हैं मेरे, उससे बैठा भी नहीं जाता है। अरे चलो इन बच्चों से ही आखिर पूछता हूँ जाकर ये क्या बना रहे हैं। अरे अरे ये क्या, ये घर कितना ज्यादा बड़ा है, देखो तो, बाप रे बाप। और घर के अंदर बस ये चार बच्चे ही हैं और कोई भी नहीं। मुझे लगता है घर के सब लोग बाहर गए हुए हैं इन बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर। अरे वाह, लगता है किस्मत ने आज फिर से मेरा साथ दे दिया है। मुझे जल्दी से घर के अंदर चलना चाहिए, इन बच्चों को तो मैं आसानी से बेवकूफ बना दूंगा। चलो चलो जल्दी से चलता हूँ। अरे बच्चों क्या कर रहे हो, बेटा क्या बना रहे हो तुम लोग। अरे अंकल आप कौन है, हम तो झोपड़ी बना रहे थे अपने खेलने के लिए। हो अरे वाह बेटा, तुम्हारी झोपड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मैंने बाहर से ही देखा था इसलिए मैं तुम लोगों से पूछने आ गया, मुझे भी तुमसे ये सब सीखना था। अच्छा कैसे बनाते हैं, मुझे भी सिखा दोगी क्या तुम, बहुत ही इंटेलिजेंट दिख रही हो। हाँ अंकल, हम आपको सिखा तो देंगे, लेकिन आप अपना मुँह तो खोलिए, आपने मुँह क्यों बांधा है। अरे बेटा तुम भी बीमार पड़ जाओगे अगर मैंने अपना मुँह खोला तो, मुझे जुकाम और खांसी बहुत ज्यादा है इसलिए मैंने अपना मुँह बांधा है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ पर अकेले रहते हो क्या, तुम्हारे मम्मी पापा सब लोग कहाँ पर हैं। अरे ये कौन है, अरे कोई चोर चक्कर तो नहीं है। आखिर मम्मी ने ये कहा था कि घर का ख्याल रखना अच्छे से, ये स्वीटी से क्या पूछा है, चलो मैं ही जाकर देखती हूँ। अरे हाँ अंकल, सब लोग रहते हैं ना यहीं पर, लेकिन अभी मम्मी और सीतान जी बाजार गए हैं, सब तो हम लोग ही घर पर हैं। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत ही होशियार हो सच में। अरे अली आप कौन है, स्वीटी से क्या बातें कर रहे हैं, बताइए मुझे, मुझसे पूछिए, मैं घर की बड़ी हूँ, ठीक है ना। हो अरे मुझे लगता है तुम घर में सबसे बड़ी हो, है ना। अरे हाँ आपने बिल्कुल सही पहुँचाना, जल्दी से बताइए आपको क्या काम है, जाइए जाइए यहाँ से, ये दरवाजा बंद करना है अपने घर का, ठीक है ना। अरे लगता है लड़की होशियार है, इसे चौकन्ना रहना पड़ेगा मुझे। अरे बेटा कुछ भी नहीं, बस मैं तो तुम्हारी झोपड़ी देखकर अंदर आया था, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, सोच रहा था कि आखिर तुम कैसे बना रही हो, तुमसे सीख ही लूं। अरे लेकिन आप क्यों सीखना चाहते, तो बच्चों के खेलने की है ना, इतने हटते करते नौजवान है, इतना सारा काम कर सकते हैं। अरे हाँ बेटा हूँ तो। अरे ये क्या, ये लड़की भी ना देखो तो कितनी आगे की जुबान चलती है इसकी, मैं क्या करूँ क्या करूँ, कैसे इन बच्चों को बहकाऊं। हाँ एक आइडिया है मेरे पास में, चलो जल्दी से वही आजमाता हूँ। अरे अरे बेटी तुम बहुत ही होशियार दिखती हो, अच्छा ये बताओ क्या तुम इस घर के अंदर भी जा सकती हो क्या, फिर तो तुम इंटेलिजेंट मानी जाओगी, ऐसे कैसे भाई। अरे क्या अंकल आपको ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, रुके मैं अभी आपको जाकर दिखाती हूँ। ये बोलकर सोना जल्दी से झोपड़ी के अंदर जाने लगती है। हो तुम इंटेलिजेंट तो हो ही हो। अरे हाँ बेटा तुम तो होशियार हो सच में, तुमने बढ़िया बनाई झोपड़ी, लेकिन मुझे एक डाउट और है, क्या वो भी क्लियर करोगी। अली अंकल बताइए जल्दी से, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। अरे क्या तुम इसके अंदर बस अकेली ही आ सकती हो, ये सब लोग कहाँ पर जाएंगे, तुम्हारे भाई बहन, अगर ये सब भी इसके अंदर रह पाते तो बहुत ही अच्छा होता। अली अंकल हम सब लोग आ सकते हैं, पागल है क्या, रुके मैं अभी दिखाती हूँ, स्वीति शिवम चटपटे तुम तीनों भी अंदर आओ। अली हाँ अंकल हम बेवकूफ नहीं है, रुके मैं भी आपको जाकर दिखाती हूँ। अरे वाह बच्चों तुम सब तो बहुत ही होशियार हो, सब लोग इसके अंदर कितने फिट आ गए। अच्छा रुको रुको अभी बताता हूँ, ये लो दरवाजा मैंने बाहर से लॉक कर दिया। अरे अरे अंकल ये क्या कर रहे हैं आप,
अरे हाँ अंकल, दरवाजा खोलिए ना, आप क्या कर रहे हैं ये सब? अरे नहीं नहीं, कैसे दरवाजा खोलूं? तुम सबको इसके अंदर बंद करने के लिए ही मैंने ये सब ड्रामा किया था। अब जल्दी से मैं तुम्हारे घर का हाथ साफ कर देता हूँ, ठीक है ना? चलो जल्दी से कमरे में जाकर देखता हूँ, ढेर सारा माल नजर आ रहा है। अरे अरे ये क्या, इस बेड के अंदर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ये तो खाली बेड है। अरे चलो चलो दूसरे वाले कमरे में देखता हूँ जाकर। वैसे तो ये लोग इतने ज्यादा अमीर दिख रहे थे लेकिन बेड खाली पड़ा है। अरे ये क्या, लगता है इस वाले बेड के अंदर ढेर सारा माल होगा। यहाँ पर चोर सारा सामान ढूंढने लगता है। ये खजाना मिल जाना चाहिए आज तो। अरे बेटे हम लोग क्या करेंगे? अरे सोना मुझे भी नहीं पता। दीदी अरे शिवम बाबू चुप हो जाओ, रो मत, रुको मैं कुछ सोचती हूँ। अरे दीदी मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, ये अंकल तो हमारे घर पर चोरी कर ले हैं। और यहाँ पर चोर ने सारे बच्चों को झोपड़ी के अंदर बंद कर दिया है और सीता के घर पर चोरी करने लगा है। यहाँ पर सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। भगवान प्लीज कोई रास्ता दिखाइए ना, प्लीज भगवान जी हमारी मदद कीजिए, प्लीज प्लीज। अरे चलो चलो जाकर देखती हूँ आखिर सोना स्वीटी ने अपना प्रोजेक्ट बनाया कि नहीं, पता नहीं इन लोगों ने बनाया होगा कि नहीं। और यहाँ पर मुन्नी सोना स्वीटी के घर पर ही आ रही होती है। अरे अरे ये सब क्या है? अरे अरे स्वीटी वो देखो मुन्नी। अरे सोना स्वीटी दीदी आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आखिर आपकी मम्मी ने आपको इसमें क्यों बंद किया है? अरे मुन्नी चुप करो चुप करो, मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले दरवाजा खोलो, कुछ भी मत बोलो, ठीक है ना? अरे सोना मुझे लगता है भगवान जी ने मुन्नी को हमारी मदद बनाकर भेजा है। अच्छा ठीक है मैं अभी खोल देती हूँ, चलो दरवाजा खोल देती हूँ, पता नहीं क्या बात हो गई। चलो चलो सब लोग बाहर आ जाओ जल्दी से। अरे तुम्हारा शुक्रिया मुन्नी, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे मुन्नी तुम्हारा शुक्रिया, तुम सही टाइम पर आ गए, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोगों को यहाँ पर मम्मी ने नहीं बंद किया था, हम लोग ये झोपड़ी बना रही थी, मम्मी और सीता आंटी बाजार गए हैं, तभी एक चोर अंकल ने हमें बेवकूफ बनाकर इसके अंदर बंद कर दिया। हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। अरे सोना मेरे पास बस एक ही आइडिया है, हम सब लोगों को किसी भी तरह करके उस चोर अंकल को इस झोपड़ी के अंदर ही बंद करना पड़ेगा। मम्मी और सीता आंटी आएंगी तो इसकी खूब धुलाई करेंगी, ठीक है ना? और पुलिस स्टेशन में कटवा देंगी। अरे हाँ स्वीटी बोल दो तुम ठीक रही हो, लेकिन हम इस चोर को कैसे पकड़े? अरे वही तो सोच रही हूँ। अरे चोर आखिर कर क्या रहा है? अरे अरे वो देखो सोना, वो चोर तो सीता जी के बेड में घुसा है। चलो चलो चुपचाप चलते हैं, पीछे से जाकर एक मारते हैं, पांचों के पांचों उस पर छिपट जाएंगे, ठीक है ना? और उसे नीचे दबोच लेंगे, घसीट कर यहाँ पर ले आते हैं। अरे हाँ स्वीटी तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, जब तक वो पीछे मुड़े तब तक हम लोगों को उसका इलाज करना पड़ेगा। चलो मुन्नी चटपटी शिवम, चलो चलो सब लोग चलो, हम शिवम को उसके ऊपर बिठा देंगे फिर वो नहीं निकल पाएगा। चलो चलो चलते हैं। अरे हाँ चुपचाप दबे दबे पाओ, चलो मैं चोर की टांग पकड़ लेती हूँ। अरे चलो चलो मैं आगे जाकर पकड़ लेती हूँ, ये पकड़ो। और यहाँ पर सोना स्वीटी चोर के टांग और हाथ पर काटने लगती है। अरे अरे ये क्या कर रही हो? अरे अरे चलो चलो जाओ जाओ यहाँ से, ये सारे बच्चे बाहर कैसे निकले? अरे पकड़े पकड़े इस चोर का बढ़िया इलाज करना है, इसकी हिम्मत कैसे हमें बंद करने की? चलो मुन्नी हम लोग भी इसे काटते हैं। अरे हाँ हाँ चटपटी, अरे मुझे क्या कर रहे हो? मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। ये क्या कर रहे हो? ओ ओ ये क्या रख दिया है मेरे ऊपर? प्लीज बेटे खींचे पकड़ कर। अरे हाँ सोना, अरे बच्चों रुक जाओ मुझे माफ कर दो माफ कर दो। स्वीटी जल्दी खींच कर लेकर चलो। अरे हाँ हाँ मैं चल रही हूँ। अरे क्या कर रहे हैं बच्चे? अरे अरे बाप रे बाप, मेरी तो सारी जान अकड़ गई है। रुको रुको तुम्हारा बढ़िया इलाज करेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही हमें इसके अंदर बंद करने की? हाँ नहीं तो अरे मुन्नी जोर जोर से कूदे, इस चोर का बढ़िया इलाज करना है। अरे हाँ हाँ ये लो ये लो ये लो ये लो। अरे बच्चो सॉरी सॉरी माफ कर दो माफ कर दो, मैं तो तुम्हारा प्यारा अंकल हूँ ना। स्वीटी अंदर घुसा अंदर घुसा अंदर घुसा। अरे हाँ सोना घुसा तो रही हूँ। चलो अंदर चलो, जैसे तुमने हमें बंद किया था हम तुम्हें भी ऐसे ही बंद करेंगे, तुम्हें पता लग जाएगा कैद के अंदर बंद होने से कितना ज्यादा दुख होता है। चलो चलो जल्दी से दरवाजा बंद करती हूँ, अब लग जाएगा इस चोर को पता बढ़िया। अरे वाह अरे वाह, हमने चोर को बंद कर ही दिया आखिर स्वीटी। अरे हाँ सोना, हमने इस चोर को बंद कर दिया। अरे बच्चो मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हारा प्यारा अंकल हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुम्हारा घर देख रहा था, कैसा है तुम्हारा घर? दीदी इसके बातों में मत आना, ये झूठ बोल रहा है। अरे हाँ दीदी, चोर बंद, खूब पिटाई करनी खूब पिटाई करनी। अरे हम सब लोग यहीं पर खड़े रहते हैं, इस चोर को भागने नहीं देना है जब तक सीतांची और मम्मी आए। और यहाँ पर सारे बच्चे चोर को घेर कर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।